हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्प्रिंग बूट में कैसे अपन शेड्यूलर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे क्रॉन एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो क्रॉन एक्सप्रेशन ऐसा, जैसे कि आपको मंथली रन करना है या वीकली रन करना है या मंडे टू फ्राइडे आपको कोई एक्सप्रेशन रन करना है या शेड्यूलर को शेड्यूल करना है कि सिर्फ मंडे टू फ्राइडे इतने बजे चले। तो ये इनिशियल वैल्यू और जो अभी अपन यूज़ कर रहे थे फिक्स्ड डिले, इससे तो ये नहीं होने वाला है। तो उसके लिए अपन यूज़ करने वाले हैं क्रॉन एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्रॉन एक्सप्रेशन को समझते हैं। तो क्रॉन एक्सप्रेशन में दो चीज़ें हैं, एक है स्टार और दूसरा है क्वेश्चन मार्क। स्टार डिनोट्स एवरी पॉसिबल वैल्यू, क्वेश्चन मार्क यू डोंट केयर अबाउट द वैल्यू। तो फ्रेंड्स, नए स्प्रिंग बूट वर्जन में अब ये क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज हैं, पर नए स्प्रिंग बूट के वर्जन में सिर्फ 6 वैल्यूज अलाउड हैं। तो अगर आप एवरी सेकेंड रन करना चाहते हो तो आप ये डे ऑफ मंथ इसको आप मास्क कर सकते हो। तो आप अगर क्रॉन एक्सप्रेशन में सिर्फ 6 वाइल्ड कार्ड यूज करोगे, मतलब कि ये एवरी सेकेंड रन करेगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एवरी सेकेंड रन करके दिखाता हूँ, फिर आगे अपन इसके और डिटेल में जाएंगे। तो फ्रेंड, ये मैं यहाँ पे शेड्यूल के जगह पे यहाँ पे इनिशियल डिले पहले था और फिक्स डिले था। ये शेड्यूल्ड में इन्हीं चीज को मैंने कमेंट कर दिया और एक नया शेड्यूल ऐड कर दिया है क्रॉन एक्सप्रेशन के साथ। और यहाँ पे एक वाइल्ड कार्ड का एस्ट्रिक यूज करना है, इसके बाद 1 स्पेस होगा, फिर दूसरा एस्ट्रिक, फिर स्पेस, और स्पेस से ये जो भी वैल्यूज हैं, टोटल 6 वैल्यूज हैं, और ये बीच में एक एक स्पेस भी रहेगा, एक साथ नहीं करना है, नहीं तो ये एरर आएगा। और ये जो एक्सप्रेशन है ये हर सेकंड एग्जीक्यूट होगा। तो ऑलरेडी अपन बिल्ड करके रखे हैं ताकि आपका टाइम कम लगे, चीज़ों को समझने में अपन ज़्यादा टाइम दें। फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। और क्रॉन एक्सप्रेशन तो काफ़ी इजी है, पर मैं आगे स्वैगर और पोस्टमैन ये सब से भी रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये हर सेकंड में एग्जीक्यूट कर रहा है, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, क्रॉन एक्सप्रेशन से चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है रादर देन इनिशियल डिले और फिक्स डिले से। तो आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि ये डे ऑफ मंथ या ये अपना जो क्वेश्चन मार्क है यह मैंडेटरी नहीं है। तो अगर अपने को एवरी मिनट का लिखना होगा, एवरी मिनट, तो हर मिनट में रन करना है। तो जैसे 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, तो घड़ी किस तरह से चलता है, 1 मिनट 0 सेकेंड ऐसे आएगा, 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 मिनट 2 सेकेंड, 1 मिनट 59 सेकेंड, फिर 2.20 आ जाता है ना, इस तरह से चलता है। 1:0 चलेगा, फिर 1:1 चलेगा, 1 मिनट 1 सेकेंड, फिर इस तरह से 1:59 चलता है, और फिर ये आ जाता है 2:0। तो हम देखेंगे कि पहला सेकेंड पे चले और दूसरा सेकेंड पे चले कोई भी, 1 मिनट 2 मिनट, फिर ऐसे आ जाएगा 2:1, ऐसे करके हो जाएगा 2:1, और ये चलेगा 2:59, और फिर ये 3.0। तो जब भी हम देख रहे हैं कि अगले सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, सॉरी फर्स्ट मिनट, सेकेंड मिनट, थर्ड मिनट, ये सब में सेकेंड का वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर आप चाहते हो कि हर सेकेंड चले, तो आपको बस सेकेंड के वैल्यू को 0 सेट करना है और बाकी सारी चीज़ें वाइल्ड कार्ड रहेगी कि हर साल के, हर दिन के, हर महीने के, हर घंटे के, हर मिनट के 0th सेकेंड पे रन करना है, मतलब कि हर मिनट रन करना है। तो फ्रेंड, ये 1 मिनट का काफी लंबा हो जाएगा, मैं बिल्ड कर देता हूं, तब तक अपन बाकी चीजों को समझेंगे। तब तक मैं इसे आपको दिखा दूंगा जो प्रिंट होगा। तो सॉरी, ये 0th, तो ये हर सेकेंड पे रन होगा। इसे मैं बिल्ड कर देता हूं, पैरेलल में अपन चीजों को समझेंगे भी और इसे देख भी लेंगे। अगर आपको हर मिनट के जगह हर घंटे रन करना हो तो क्या होगा, हर घंटे में, जैसे हर घंटे का क्या होगा, 1 घंटा 0 मिनट 0 सेकेंड, फिर हो जाएगा 2 घंटा 0 मिनट 1 सेकेंड, इस तरह से होगा, फिर 2 घंटा
फिर ऐसे हो जाएगा कि 2 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड, फिर ये आ जाएगा 3 घंटा 0 मिनट 0 सेकंड, सॉरी ये 2 घंटा हो गया एक्चुअली, ये 1 घंटा होना था और ये भी 1 घंटा और ये अपना 2 घंटा। तो फ्रेंड देखते हैं कि 1 घंटा और 2 घंटा में ये सेकंड और मिनट की वैल्यू क्या है, 0 0 है। तो अगर अपने को कोई ऐसा क्रॉन एक्सप्रेशन लिखना है जो आवरली चले, तो इसके लिए अपन कैसे लिखेंगे, सेकंड का वैल्यू 0, मिनट का वैल्यू 0 स्पेस, बाकी सारे हो जाएंगे वाइल्ड कार्ड। तो ये हो गया आवरली। अगर इसको भी अपन स्टार कर दे तो ये हो गया मिनट से, हर मिनट। इसको 0 कर दे हर घंटे, इसको भी अगर 0 कर दे तो सिर्फ ये हर दिन 0 0 बजे चलेगा रात को। तो ऐसा, तो फ्रेंड ये हम लोगों ने जो मिनट वाइज किया था इसे मैं बिल्ड कर लिया हूँ, अब रन कर रहा हूँ, तो ये हर मिनट में प्रिंट करेगा जो अपन बाद में वेरीफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड मैं आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे अपने को क्रॉन एक्सप्रेशन लिखना है, तो मैं कुछ वेरिएंट्स ऑलरेडी लिख रखा हूँ जो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ और समझाता हूँ कि ये है कैसे। और अगर आपको और इसके डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, कोई एक्सप्रेशन लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये है फ्रेंड्स, इसमें आप देखो कि सेकंड पे क्या है, 0 है, मतलब कि हर सेकंड में जब भी 0 का वैल्यू आएगा तो ये रन करेगा, और ये स्टार मतलब वाइल्ड कार्ड डिवाइडेड बाय 5, और बाकी सब ये अब मैंडेटरी है नहीं स्प्रिंग बूट के लेटेस्ट वर्जन से, तो ये जरूरी भी नहीं है, सिर्फ 6 वैल्यू अलाउ करता है, तो ये अब क्वेश्चन मार्क जरूरी है भी नहीं। पर आप किसी वेबसाइट या कहीं से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन मार्क अभी भी वहां पे हैं, क्योंकि कुछ कुछ और भी दूसरी जगह अपन क्रॉन एक्सप्रेशन करते हैं तो ये एक्सप्रेशन तो हर जगह कॉमन है, पर स्प्रिंग बूट का लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी इन सब चीजों को हैंडल कर लेता है। तो ये फ्रेंड एक्सप्रेशन है जो एवरी 5 मिनट में रन करेगा, ये मिनट डिवाइडेड बाई 5। उसी तरह से ये है, आप देखो कि 10 बज के 0th मिनट 0th सेकंड, और ये किसी भी दिन किसी भी महीने और किसी भी साल, तो ये हर दिन 10 बजे सुबह को चलेगा। अगर आप रात को चलाना चाहते हो 10 बजे तो आप यहाँ पे 22 कर सकते हो, तो ये रात को 10 बजे चलेगा फ्रेंड। ये चलेगा एवरी संडे, क्योंकि यहाँ पे अपन वीक में संडे दे रखे हैं, तो ये एवरी संडे चाहे वो कोई सा भी दिन हो, मतलब कैलेंडर में चाहे वो संडे को 1 तारीख पड़े या 2 तारीख पड़े या 5 तारीख को संडे पड़े या कोई सा भी साल को संडे पड़े, वो हर साल के किसी भी साल के किसी भी दिन को अगर संडे आता है तो संडे को वो 10 बजे इसको रन करेगा शेड्यूलर को। उसी तरह से ये शेड्यूलर है जिसमें मैंने संडे के बजाय मंडे टू फ्राइडे दिया है, तो ये मंडे टू फ्राइडे रन करेगा। अगर आपको किसी एक और दो वैल्यू के बीच का देना है, जैसे मुझे सिर्फ मंडे टू फ्राइडे अगर 1 से 5 तारीख के बीच में पड़े तभी ये रन करे, तो मुझे ऐसे 1 से 5 देना पड़ेगा। पर्टिकुलर कोई वैल्यू अगर आपको रेंज देना है तो आप 1 हाइफन जो भी आपका टू एंड फ्रॉम वैल्यू आप दे सकते हो, लेकिन अगर आपको दो वैल्यू देना है तो आप कॉमा दे के दे सकते हो। जैसे इसे मैं चाहता हूं कि संडे और मंडे को ये चले, तो मैं संडे कॉमा मंडे, तो अब ये एवरी संडे और मंडे को 10 बजे चलेगा, और ये है अपना मंडे और फ्राइडे, तो ये मंडे टू फ्राइडे, अगर ये हाइफन दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है तो एंड। और ये फ्रेंड जैसे आप देखो कि फर्स्ट डे ये मंथ है, ये ईयर है, और ये अपना वीक है, तो वीक में अपन दे रखे हैं, मंथ कोई सा भी हो, ईयर कोई सा भी हो। और ये फ्रेंड लास्ट जो एक्सप्रेशन है, ये 10 बजे कब, 1 तारीख को, मतलब फर्स्ट डे ऑफ मंथ किसी भी ईयर में और किसी भी वीक, मतलब उस दिन संडे हो मंडे हो हमको कोई मतलब नहीं है उससे, और 1999 हो या 2001 हो हमको उससे भी कोई मतलब नहीं है, ये हर दिन चले। तो फ्रेंड्स क्रॉन एक्सप्रेशन में इतना ही, और डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए इतना काफी है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और हेल्पफुल है तो फिर प्लीज़ फीडबैक जरूर दें, एटलीस्ट फीडबैक पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं पोस्टमैन पे रिलीज करने वाला हूँ, जिसमें मैं REST API टेस्टिंग
बताने वाला हूँ। और ये जो मैंने डेमो प्रोजेक्ट यूज़ किया है यहाँ पे, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।